जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम हक की बात चलाई, जिसमें सुबह 11 बजे से उपरांत 1 बजे तक जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने महिलाओं को समय दिया था। इस दौरान अपराध राष्ट्र और घरेलू हिंसा या किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की हिंसा से समस्या से पीड़ित महिलाएं उनसे फ़ोन पर सीधे बात कर सकती हैं और अपनी समस्याएं बता सकती हैं। इस कार्यक्रम के तहत लगभग 2 दर्जन पीड़ित महिलाओं के फ़ोन जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव के पास आए, जिसको प्राथमिकता से अपनी डायरी में नोट कर उनके तत्काल निस्तारण के आदेश दिए गए। वहीं जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव की सराहनीय पहल से पूरे जनपद में पीड़ित महिलाओं को एक आश जागी है। जिन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाते हुए कई योजनाएं चलाई हैं, उन्हीं के अनुक्रम में जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने भी महिलाओं से सीधे संवाद करने की उनकी समस्याओं के निस्तारण में अहम भूमिका निभा रहे हैं। हक की बात कार्यक्रम की चर्चा पूरे जनपद में एक नई पहल के रूप में हो रही है। इस कार्यक्रम से महिलाओं को काफ़ी लाभ मिलेगा। जो महिलाएं न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं और लोग उन्हें टाल रहे थे, अब उनके लिए DM ने एक नई राह खोल दी है। वहीं केंद्र व प्रदेश सरकार की मंशा के अनुसार अब अधिकारी व कर्मचारी भी कार्य को संपन्न करने में पूरी रुचि दर्शा रहे हैं। इसका जीता जागता नमूना रायबरेली में देखने को मिला, जहां हक की बात कार्यक्रम के जरिए बालिकाओं व महिलाओं के लिए मन की बात सुनकर DM ने बड़ी तमन्नता से उनका निस्तारण भी किया और जरूरी निर्देश भी दिए। सर, जो हक की बात कार्यक्रम चला रहे हैं, क्या कार्यक्रम है ये? माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में आज ये एक अभिनव प्रयास किया जा रहा है, जिसमें हमने 11 से 1 बजे का टाइम स्लॉट रखा है, जिसमें महिलाओं की समस्या से रूबरू हो रहे हैं और लगातार इस तरह के कॉल्स आ रहे हैं और महिलाएं मिलने भी आ रही हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का त्वरित रूप से निस्तारण करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ की पारिवारिक समस्याएं हैं तो कुछ ने राशन की समस्या बताई है और इसी प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कुछ क्राइम से संबंधित भी कॉल्स आपके पास आई हैं? अपराध से संबंधित भी आई हैं, पारिवारिक भी आई हैं, राशन की समस्या को लेकर भी आई हैं, सभी तरह की समस्याएं आ रही हैं जिसका त्वरित निस्तारण कराया जाए।